प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आई नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। देहरादून के सरदार पटेल भवन में एंटी ड्रग्स दिवस सेमिनार का हुआ आयोजन। रामनगर में जमीन की खरीद फरोख्त कर धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ किया गैंगस्टर के तहत कार्रवाई। न्योली सहरा सैम मंदिर में 7 दिवसीय भागवत कथा महापुराण का हुआ आयोजन। कुमाऊं कमिश्नर ने मानसून अलर्ट पर अधिकारियों को दिए निर्देश। कांग्रेस की मजबूती के लिए पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक का जनसंपर्क बस्तूर जारी। अल्मोड़ा पुलिस का बृहद सत्यापन अभियान जारी। डीडी हाट 25 जून गुलेरियों के तीसरे दिन जन जागरण निकाली गई रथ यात्रा। शराब पीकर वाहन चलाने पर अल्मोड़ा पुलिस ने की सख्त कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक अशोक कुमार की अध्यक्षता में देहरादून स्थित सरदार पटेल भवन में एंटी ड्रग्स दिवस सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में उन तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई जो उत्तराखंड प्रदेश को ड्रग्स बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। जैसे आपको बताया गया है उसके प्रोसेस में क्या है, एंटी ड्रग्स जागरूकता के लिए और उसी के तहत आज हमने सेमिनार किया है जिसमें विभिन्न स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया, विभिन्न विभागों को शामिल किया गया, ड्रग एडिक्शन सेंटर वालों को बुलाया, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण, सबको बुलाया। और हमने जो है हमारा प्रयास है जो माननीय मुख्यमंत्री जी का मिशन है 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री बनाना है, उसी की ओर हमारे ये सब कदम है। और जो भी हमारे एनफोर्समेंट में जो भी गैप्स होंगे उसी को प्लग करने के लिए, कहाँ लूप होल्स है, कहाँ कमी रह जा रही है, हम जीरो पे क्यों ला पा रहे हैं, उसी के लिए आज हमने मंथन किया है और इसको और भी आगे बढ़ाएंगे। और जैसे हमारी ईएनटीएफ है जो स्टेट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, उनको और प्रभावशाली बनाएंगे जिससे कि हम ड्रग्स की समस्या को जो है पूरी तरह से खत्म कर सके। शनिवार को कोतवाली पुलिस ने रामनगर व आसपास के क्षेत्रों में जमीन के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर ठगी करने के आरोप में 2 अलग अलग मामलों में 6 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। आपको बता दें कि घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ इस प्रकार के कई मामले पूर्व में दर्ज हुए हैं। संवाददाता कैलाश याल की रिपोर्ट। देखिए, थाना रामनगर द्वारा 2 गैंगस्टर एक्ट के अभियोग पंजीकृत किए गए हैं जिनमें जयप्रकाश डंडरियाल और जो कि गैंग लीडर है और हरदेव प्रदीप के खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत किया है। इन लोगों द्वारा लोगों की जमीनों में फ्रॉड करके धोखाधड़ी से अवैध धन अर्जित किया गया है और इनके द्वारा जो है लोगों से ठगी की गई है। इस संबंध में थाना आजापुर कई मुकदमे दर्ज हैं। एक अन्य मामले में जो घनानंद शंकर और शैलेंद्र शर्मा, जिसमें गैंग लीडर घनानंद लखेड़ा है, इसके द्वारा भी जमीन में फ्रॉड करके लोगों से पैसा ठगा गया है। इन दोनों मतलब गैंग जो लीडर हैं उनके मेंबर्स के विरुद्ध हमारे द्वारा गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है और इसके द्वारा इसके बाद हमारे द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पिथौरागढ़ के न्योली सहरा सैम मंदिर में 7 दिवसीय भागवत कथा महापुराण का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि न्योली सहरा सैम मंदिर में ये महापुराण 19 जून से 25 जून तक चलाई जाएगी। इस श्री मद भगवत कथा में कथावाचक पंडित चंद्रशेखर रहेंगे। साथ ही कथा महापुराण में विभिन्न गाँव के सैकड़ों लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। वर्षा का जल पड़ा हुआ, कृष्ण जहाँ पांडवों के पास गए, महाराज मैं कालिंदी हूँ और उनके चरणों में अपना सिर रखता हूँ। नमस्कार, आज हम हैं अल्मोड़ा पिथौरागढ़ बागेश्वर जनपद की सीमावर्ती क्षेत्र सिराघाट सिटी के मुंजा सिरा गांव में। यहाँ पर सैनिक के मंदिर के प्रांगण में आज श्रीमद भागवत महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आज छठम दिवस की कथा के शुभ अवसर पर सभी क्षेत्रवासी यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ साथियों क्षेत्र में सुख शांति एवं समृद्धि की मनोकामना के साथ यहाँ पर इष्टदेव का सैनजी के मंदिर में यहाँ पर श्रीमद भागवत महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। हमारे व्यास जी महाराज जी द्वारा यहाँ पर अपने हमारे दैनिक जीवन को जीने के लिए अनेक हमारे ज्ञानवर्धक मार्गदर्शक ज्ञान दिया जा रहा है। आप सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में आकर आइए, इस भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का प्रसाद ग्रहण करें। सबके जीवन में सैम देव का हमेशा
उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है तो वहीं कुमाऊं मंडल में भी लगातार बरसात जारी है। बरसात के चलते जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है तो वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सभी जिलों के अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आपने ठीक कहा, सबसे पहले तो इसमें जो कलवर्ट्स हैं, नाले हैं, ये खुले रहने बहुत आवश्यक हैं क्योंकि इनसे ही पानी बाहर निकलता है, अन्यथा सड़कों पे आता है। और दूसरा मुद्दा हमारा होता है कोई गिरासू भवन है तो उनको चिन्हित कर दें पहले से, गिर सकते हैं बरसात में और लोगों को बता रहा है इसमें खतरा है, वहाँ से उनको हटा लिया जाए। ऐसे ही कोई स्कूल्स अगर इस तरह से हैं वहाँ से भी पहले से ही बच्चों को हटा लिया जाए, बंद कर दिया जाए ऐसे स्कूल्स को। और तीसरा हमारा होता है कि जो झूलते हुए पोल हैं या तारे हैं या फिर ऐसे पेड़ हैं जो कि दुर्घटना के कारण बन सकते हैं, उनको काटने की भी ऑर्डर्स दिए हैं। जहाँ जहाँ पे कम्युनिकेशन वीक है वहाँ पे सभी डीएम से कहा गया कि अतिरिक्त वो वॉकी टॉकीज़ खरीद लें, वहाँ पे प्रधानगणों को या वन पंचायतों को या आपदा मित्रों को या जो भी हमारे समूह हैं वहाँ पे उनको बांट दी जाए ताकि कम्युनिकेशन नेटवर्क हमारा पूरा रहे और जो भी वल्नरेबल पॉइंट्स है जहाँ पे हर साल नॉर्मली जेसीबीज़ की तैनाती होती है वो कर दी गई है। ये कहा गया है कि जो भी ड्राइवर्स इसमें हैं उनकी भी सूची बना के रखी जाए, ड्राइवर रात को कहाँ पे रहते हैं उसकी सूची बनाई जाए ताकि इन्हीं केस अगर फोन नहीं मिल पाता है तो फिजिकली जाके वहाँ पे काम शुरू कराया जा सके। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक कांग्रेस संगठन की मजबूती के लिए विगत 20 दिनों से लगातार अल्मोड़ा विधानसभा में नगर से लेकर दूरस्थ गांव तक लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। विगत सप्ताह सोमवार को श्री कर्नाटक के द्वारा भैंसिया छाना ब्लॉक अंतर्गत शेराघाट, तल्ली नाली, मल्लित नाली, मल्ली सेरा घाट सहित आसपास की ग्राम सभाओं में जनसंपर्क कर स्थानीय लोगों की समस्या जानी। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। एसएसपी अल्मोड़ा के निर्देश में जनपद में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत वृहद स्तर पर सत्यापन अभियान चलाकर लगातार बाहरी व्यक्तियों, किरायेदारों, मजदूरों, फड़फेरी व ठेले लगाने वाले व्यक्तियों का सत्यापन किया जा रहा है तथा बिना सत्यापन किरायेदार मजदूर रखने वाले मकान मालिकों व ठेकेदारों के विरुद्ध भी चलानी कार्रवाई की जा रही है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। डीडी हाट 25 जून गुलेरियों के तीसरे दिन जन जागरण रथ यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि मल्लनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद डीडी हाट पहुंची, यहां रामलीला मैदान में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मानंद दालाकोटी ने कहा कि गुलेरियों की मांग केवल अपनी नौकरी पेंशन की नहीं है, हमारी मांग का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यह सीमा की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय?
कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन को करी। सोमेश्वर पुलिस द्वारा रात्रि चेकिंग के दौरान तहसील रोड भैसड़ गांव सोमेश्वर पर वाहन चालक बलवंत सिंह को शराब पीकर वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर वाहन को सीज कर लिया गया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। देहरादून में शनिवार को युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग की ओर से क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय प्रांगण में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि रोजगार मेले में विभिन्न क्षेत्रों के कुल 37 प्रतिष्ठित कंपनी ने भाग लिया। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागी लाल चैनल के साथ। धन्यवाद।